वेलकम टू द मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में। लैक्टोज इज़ अ मिल्क शुगर। सो बेसिकली कुछ लोगों को दूध पीते ही उल्टी या डायरिया हो जाता है और इनडाइजेशन हो जाता है। सो इस कंडीशन को रेफर किया गया है लैक्टोज इंटॉलरेंस में। सो इट इज़ एन एबनॉर्मेलिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सो इसकी वजह कैसे स्टार्ट होता है कि यूजुअली क्या होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो इंटेस्टाइनल एक्टिविटी जो होती है वो बहुत हाई होती है, इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं एंड जैसे जैसे डेक्लाइन हो जाते हैं, जैसे जैसे चाइल्डहुड आता है या एडल्टहुड आता है। सो दिस लो लैक्टोज लेवल्स आर एसोसिएटेड विद इंटॉलरेंस टू मिल्क। यानी ब्लड में जो मिल्क शुगर है उसका जो लेवल है वो काफ़ी लो हो जाता है। दिस इज़ ड्यू टू इंटॉलरेंस टू मिल्क। दिस इज़ नोन एज लैक्टोज इंटॉलरेंस। सो बेसिकली इंडिविजुअल्स आर अनेबल टू डाइजेस्ट लैक्टोज सफिशियंटली। तो इस तरीके के लोगों में क्या देखा जाता है कि जो मिल्क शुगर है वो प्रॉपरली अनडाइजेस्टेड रहती है एंड दे हैव द कंप्लेंट्स ऑफ ब्लॉटिंग, पेन इन एब्डोमेन, गैस और डायरिया। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस बेसिकली दो टाइप्स में आता है। पहला है कंजनाइटल लैक्टोज इंटॉलरेंस। कंजनाइटल यानी पैथरक, यानी जन्म के साथ ही लैक्टोज इंटॉलरेंस है। और दूसरा होता है सेकेंडरी, यानी किसी भी वजह से लैक्टेज डिफिशियंसी है उसकी वजह से लैक्टोज इंटॉलरेंस की सिचुएशन आई है। तो कंजनाइटल लैक्टोज इंटॉलरेंस में क्या होता है, इट रेफर्स टू द कंडीशन इन विच लैक्टोज यानी मिल्क शुगर कैन नॉट बी डाइजेस्टेड ड्यू टू कंजनाइटल डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम लैक्टेज। तो लैक्टेज इज़ द मिल्क शुगर स्प्लिटिंग एंजाइम और ये जब कंजनाइटल ही एब्सेंट होता है उस कंडीशन में लैक्टोज यानी मिल्क शुगर का डाइजेशन नहीं हो पाता। दिस अनडाइजेस्टेड लैक्टोज एक्ट एज द ऑस्मोटिक पार्टिकल्स एंड ड्रॉज एक्सेसिव फ्लूड इन टू इंटेस्टाइन एंड रिजल्ट इन डायरिया। ऑस्मोटिक पार्टिकल्स की तरह से कैसे काम करेगा कि इंटेस्टाइन में अगर कोई भी मिल्क प्रोडक्ट आएगा वहाँ ये लैक्टोज जो है ऑस्मोटिक पार्टिकल्स की तरह से फंक्शन करेगा और ऑस्मोटिक पार्टिकल्स की टेंडेंसी है कि ये अपनी तरफ से वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ा देते हैं। किसका, वाटर का। तो वाटर जो है वो इनटू द इंटेस्टाइन जो है वो बढ़ जाता है, इसकी वजह से कंडीशन आ जाती है डायरिया एंड दिस कैन लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस। तो वाटर कंटेंट अगर इंटेस्टाइन में ज़्यादा आ जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगी एंड दिस वुड लीड टू डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन की ये जो प्रॉब्लम है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाएगा इसके साथ साथ में, ये थ्रू आउट लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसकी जो थ्रेप्टिक हाइलाइट्स हैं इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। और अगर इन्फेंट्स यानी बच्चों को फेड कराना हो तो सिंथेटिक मिल्क का यूज़ करना चाहिए जिसमें सुक्रोज प्रेजेंट होता है इंस्टेड ऑफ लैक्टोज, क्योंकि सुक्रोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम सुक्रेज तो प्रेजेंट है लेकिन लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाला लैक्टेज एब्सेंट है कंजनाइटल लैक्टोज इंटॉलरेंस में। दूसरा आता है सेकेंडरी लैक्टेज डेफिशिएंसी। किसी भी वजह से अगर लैक्टेज डेफिशिएंसी हो गई तो बेसिकली ऐसा जो है कंडीशन डेवलप करता है लैक्टोज इंटॉलरेंस की, ऐसा अक्सर एडल्ट्स में देखने को मिलता है और एंड इट प्रोड्यूसेस इंटेस्टाइनल डिस्टेंशन, डायरिया एंड फ्लैक्चुलेंस। सो इसके लिए भी क्या ट्रीटमेंट है कि अवॉइड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन आता है तो आप बता पाएंगे या वाइवा वॉइस में आपसे पूछा जाए तो आप इसे समझा पाएंगे, साथ में शॉर्ट नोट्स अगर आए तो आप मेंशन कर पाएंगे। आई होप इस तरीके के लेक्चर्स और पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।